हमने डिटेल में डिस्कस किया है व्हाट आर आइसोटोप्स उनकी डेफिनेशन क्या होती है उसके सारे कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड किया देन वी डिस्कस्ड एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स एंड देन एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स इन डिटेल हमने डिफरेंट फील्ड्स में एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स को डिस्कस किया है और अब डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू होल टॉपिक्स ऑफ आइसोटोप्स सो क्वेश्चन नंबर वन इज वाई डू द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें पता होना चाहिए प्रेजेंट होते हैं इन द न्यूक्लियस जिनको कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है उसका नंबर होता है उसका अटोमिक मैस या फिर मैस नंबर भी कहा जाता है सो so, आइसोटोप्स का अटोमिक मैस अलग होता है उसकी रीजन ये है कि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं बिकॉज अगर हम बात करें कि नंबर सेम होता है सो so इसका मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होंगे बिकॉज अटोमिक नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर द सेम थिंग्स लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं विद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टू मेक अटोमिक मैस सो अगर अटोमिक मैस में फर्क है और अटोमिक नंबर सेम है सो so इसका यह मतलब हुआ के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट सो वी कैन राइट आर आंसर लाइक द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सो दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास एज द एटॉमिक मास इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पहले आपको उस क्वेश्चन के आंसर का स्केच अपने माइंड में बनाना है दैट हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर और फिर उसको प्रॉपर वे में सेंटेंस स्ट्रक्चर देके प्लेस करना है लिखना है यानी कि लिखना क्वेश्चन नंबर इज हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कार्बन ट्वेल्व एंड कार्बन थर्टीन हम जानते हैं कि जब इस तरह से लिखे जाते हैं एलिमेंट्स तो इसका मतलब होता है कि ये हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच कि ये हैं आइसोटोप्स सो कार्बन ट्वेल्व और कार्बन थर्टीन ये हैं दो आइसोटोप्स ऑफ कार्बन लेकिन कार्बन का एक और आइसोटोप भी होता है विच इज कार्बन फोर्टीन जो कि है रेडियो एक्टिव आइसोटोप सो इन कार्बन ट्वेल्व और कार्बन थर्टीन हमें बताने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो उसके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है अटोमिक मास माइनस नंबर यानी कि नंबर को जब हम atomic masses में से सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नाउ इन कार्बन ट्वेल्व देर आर सिक्स न्यूट्रॉन्स वो कैसे पता चलेगा बिकॉज कार्बन इज हैविंग नंबर एंड वी नो दैट फॉर ऑल द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन

च ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हाइड्रोजन के किस आइसोटोप में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं अब ऐसे क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल याद करने हैं आइसोटोप्स फिर याद करनी है एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन और वहां से आपको याद आएगा कि देर वर थ्री आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन जो कि होते हैं प्रोटियम डूट्रियम एंड ट्राइटियम हमने इन तीनों आइसोटोप्स के स्ट्रक्चर को भी डिटेल से पढ़ा है और इसमें हम जानते हैं कि ट्राइटियम का मतलब है तीन यानी कि उसका मास नंबर है तीन सो ट्राइटियम आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन हैज ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और चूंकि हाइड्रोजन का टॉमिक मास वन है तो अगर मैं कह रही हूं कि मास नंबर थ्री है तो मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे टू सो वी कैन से इट हैज़ टू न्यूट्रॉन्स कि क्वेश्चन में तो पूछा था किसके सबसे ज़्यादा होंगे लेकिन इट्स बेटर कि अगर ज़्यादा होने के साथ साथ आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी अपने आंसर में मैंशन कर दें लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन मेडिसन एंड रेडियो थेरेपी यानी कि रेडियो थेरेपी और मेडिसन में जो आइसोटोप यूज होते हैं उसकी हमें देनी है एग्जाम्पल अगर बात करें मेडिसन की तो इन आर लेक्चर मैंने बहुत एम्फोसाइज किया था कि आयोडीन वन थर्टी वन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आइसोटोप है सो रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज इन मेडिसन इज आयोडीन वन थर्टी वन एंड दिस इज़ यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ गोइटर विच इज़ ए डिजीज ऑफ थायरॉइड और अगर बात करें रेडियोथेरेपी की तो रेडियोथेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और उसमें हम तीन तरह के आइसोटोप्स हमारे टेक्स्ट में पढ़ चुके हैं और वो हैं फॉस्फोरस 32, टू स्ट्रॉनशियम नाइनटी एंड कोबॉल्टिक्सटी अगर आप बात करें स्किन कैंसर की तो उसमें यूज करते हैं हम फॉस्फोरस थर्टी टू एंड स्ट्रॉनशियम नाइन्टी एंड इफ यू टॉक अबाउट इनर सेल्स कैंसर या फिर बॉडी के इनसाइड जो कैंसर होगा उसके लिए हम यूज करेंगे कोबर्ड सिक्सटी बिकॉज इट विल रिलीज गैमा रेडिएशन विच आर वेरी हाईली पेनिट्रेटिंग सो ये ज्यादा इफेक्टिव होंगी नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज गोइटर इन थायरॉयड ग्लैंड डिटेक्टेड थायड ग्लैंड में ग्वाइटर को कैसे डिटेक्ट करते हैं सो आइसोटोप ऑफ आयोडीन 131 इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ग्वाइटर इन द दायरॉयड ग्लैंड अब आपकी बुक में इसकी इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है लेकिन आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं कि आयोडीन 131 इज बेसिकली गिवन इन ऑफ अ इट्स इंजेक्शन एंड देन दिन इट इज इंजेक्टेड सो आयोडीन इज बेसिकली फॉर दी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस बाय थाइड ग्लैंड सो उसको फॉलो करते हुए हम पता चला लेते हैं गोइटर का नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स डिफाइन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन सो न्यूक्लियर फिशन इज द टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज बम्बार्डिड विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स एंड रिजल्टिंग क्या होगा आइसोटोप्स इमिट थ्री न्यूट्रॉन्स एंड स्प्लिट इन टू सम अदर आइसोटोप्स यानी कि ये एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें आप एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेंगे देन आप उस पर स्लो न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करेंगे एंड आफ्टर दम्बार्डमेंट ऑफ स्लो न्यूट्रॉन्स क्या होगा इट वुड बी कन्वर्टेड इन टू टू डिफरेंट आइसोटोप्स और साथ ही साथ तीन न्यूट्रॉन्स भी निकलेंगे और इसकी एग्जाम्पल है यूरेनियम टू थर्टी फाइव नाइन्टी टू अगर आप यूरेनियम टू थर्टी फाइव नाइन्टी टू पे स्लो बम्बार्डमेंट करते हैं न्यूट्रॉन्स की सो क्या होगा दे आर गोइंग टू रिलीज थ्री न्यूट्रॉन्स एंड अलॉन्ग विद इट दो चीज़ें भी बनेंगी विच इज़ बेरियम वन थर्टी नाइन फिफ्टी सिक्स एंड Which is 94, 36. So, ये दो मुख्तलिफ आइसोटोप्स मिलेंगे और साथ ही साथ क्या बनेगा तीन न्यूट्रॉन्स. और चूंकि ये फिशन रिएक्शन है ब्रेकडाउन हो रही है न्यूक्लियस की सो so इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होगी और आपको याद होगा इसे हमने पावर जनरेशन में पढ़ा था कि यही एनर्जी हम यूज कर सकते हैं टू रन आवर पावर स्टेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेवन

द यूरेनियम ब्रेक्स अप इन द फॉलोइंग वे और हमें बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए भी अलग से क्योंकि जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो ज़ाहिर है कॉन्टिनुएशन में थोड़ी पूछा जाएगा ये तो बिल्कुल एक सेपरेट क्वेश्चन बन जाएगा सो so, उसके लिए आपको दोबारा से इसका रिएक्शन लिखना पड़ेगा सो so, ये रिएक्शन हुआ काफ़ी इम्पॉर्टेंट सो उसमें आपको सेम चीज़ लिखनी है आप यूरेनियम लिखेंगे यूरेनियम का सिंबल लिखेंगे यूरेनियम का मैथ शो करेंगे उसका अटोमिक नंबर शो करेंगे देन यू विल शो दैट थ्री न्यूट्रॉन्स आर इम्बार्टेंट एंड देन इट इज कन्वर्टेड इन टू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स और साथ ही साथ बनेंगे तीन न्यूट्रॉन्स और वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी अब आप स्टार्ट करेंगे कि आखिर उस एनर्जी के साथ क्या होगा नाउ ड्यूरिंग दिस रिएक्शन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज एंड विच में बी यूज टू कन्वर्ट वाटर इन टू स्टीम इन ब्रॉयर्स हम यूज करते हैं ब्रॉयर्स को इन आर पावर स्टेशन और उन ब्रॉयलर्स के अंदर हमें लिक्विड वाटर को कन्वर्ट करना होता है स्टीम के अंदर सो so, उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए एनर्जी सो so वो एनर्जी हमें मिलेगी फिशन रिएक्शन से न्यूक्लियर फिशन ऑफ यूरेनियम 235 थर्टी फाइव से एंड दैट स्टीम देन ड्राइव द टर्बाइन एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट टर्बाइन इज कनेक्टेड विद द शाफ्ट विच इज ड्राइविंग अ जनरेटर एंड अल्टीमेटली अ जनरेटर विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी सो ये एनर्जी यूज हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में और ये है एक पीसफुल यूज ऑफ दिस रेडियो एक्टिव आइसोटोप नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इन दिशा रिश्ते जब यूनियम टू थर्टी फाइव को ब्रेक करते हैं तो कितने न्यूट्रॉ होते हैं उसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा उसी इक्वेजन की तरफ जी हाँ एंड दैट इक्वेजन शोज दैट वेन वन आइटम ऑफ यूरेनियम टू थर्टी फाइव विल ब्रेक डाउन इट इज गोइंग टू गिव यू टू डिफरेंट आइसोटॉप बेरियम और क्रिप्टॉन के और साथ ही साथ थ्री नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सो न से ड्यूरिंग दिस रिएशन थ्री न्यूट्रॉन आर प्रोड्यूस्ड और इसको जस्टिफाई करने के लिए आपको वही इक्वेजन रिप्रेजेंट करनी है अगर आप उस इक्वेजन को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप अपने आंसर के लिए एक सॉलिड रीजन प्रोवाइड कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरेम टू थर्टी फाइव फिशन प्रोड्यूसिस टू एटम्स ऑफ विच एलिमेंट जब उसके ब्रेक डाउन होने से दो एटम्स बनते हैं तो वो कौन कौन से बनते हैं सो so, अभी हम इस इक्वेजन की मदद से देख चुके हैं कि आइसोटोप्स ऑफ बेरियम एंड क्रिप्टॉन दे आर प्रोड्यूस्ड बाय फिशन ऑफ यूरेनियम 235 और इसके लिए भी आप मेंशन कर सकते हैं सेम इक्वेजन और उस इक्वेजन में आप लिख सकते हैं उनके अटोमिक मैसेज और अटोमिक नंबर भी जो कि आपको याद करने होंगे अब ये तो थे कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट योरसेल्फ इसके अलावा भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसोटोप से रिलेटेड जिसमें कार्बन डेटिंग का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. है इसके अलावा आ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रेस करने के लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं सो उसके लिए हम कार्बन फोर्टीन यूज करते हैं या ये भी आ सकता है डायरेक्टली कि वेयर कार्बन फोर्टीन इज यूज यानी कि आपको कार्बन फोर्टीन की सारी इंफॉर्मेशन का भी पता होना चाहिए या फिर डायरेक्टली शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बहुत डायरेक्ट वे में क्वेश्चन आएगा राइट डाउन एनी टू एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स और ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट या ये भी पूछा जा सकता है कि क्लोरीन के कितनेटोप्स एग्जिस्ट करते हैं तो उसके आंसर में आपको क्लोरिन के दोनों आइसोटोप्स और अगर वो टू मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उन दोनों का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं सो देर आर अलॉट ऑफ वेज जिनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फ्रॉम द टॉपिक आइसोटोप्स डेफिनेशन आप वर्ड टू वर्ड लर्न करेंगे आपको पता होना चाहिए कि जो हमने मेजर एग्जाम्पल्स डिस्कस की हैं उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या बनेंगे उनको ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रक्चर किस तरह से आएगा हमें आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज को एज ए लिस्ट लर्न करना है और अगर आपको एक आइसोटोप गिवन हो और उसका टॉमिक मैसोटॉमिक नंबर गिवन हो तो उससे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और, और न्यूट्रॉन्स को निकालना भी आना चाहिए और यूजेस को हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ये तो थी डिस्कशन रिलेटेड टू आइसोटोप्स और उनके सारे क्वेश्चंस अब देखते हैं कि हाउ टेस्टिंग इज प्रिवेलिंग थेरीज एंड इट ब्रिंग्स द चेंज इन दैम कि बार बार टेस्ट करने से थेरीज में चेंज कैसे आता है जैसे कि हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था थेरीज से इंट्रोडक्शन के बाद डायरेक्टली जब हमने टॉपिक 2.1 पॉइंट वन पढ़ा तो उसमें हमने डिस्कस की थी थेरीज और चूँकि एटम एक इतनी छोटी चीज़ है कि आम आँख से नज़र नहीं आती और इसे देखने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप यूज करें तो उससे भी दिखाई नहीं देता इसको देखने के लिए बहुत ही स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और वो भी इसके स्ट्रक्चर को उतना क्लियरली नहीं दिखाती यानी कि उतना डीप डाउन स्ट्रक्चर नहीं दिखाती सो so, थेरीज पे ऑलमोस्ट इसकी सारी डिस्कवरीज बेस कर रही थी वी नो दैट साइंस इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग नॉलेज साइंस से नॉलेज प्रोड्यूस हो रहा है और ये नॉलेज ये डिपेंड किस पे करता है ये प्रोसेस इट डिपेंड्स ऑन मेकिंग केयरफुल ऑब्जर्वेशन से किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे जितना ध्यान से आप किसी को ऑब्जर्व करेंगे उतने ही परफेक्ट बनेंगी और जब आप अपनी सेंसेस को प्रॉपर वे में यूज करके थे बनाएंगे उन फिन से रिलेटेड तो जितनी अच्छे तरीके से ऑब्जर्वेशन हुई होंगी थेरीज भी उतनी ही अच्छी बनेंगी नाउ चेंज इन नॉलेज इज़ इन एविटेबल चेंज तो आएगा नॉलेज में उसकी रीज़न क्या है उसकी रीज़न ये है कि ऑब्जर्वेशंस ये चेंज हो रही हैं यानी कि पहले हमारे पास थी सिर्फ और सिर्फ हमारी सेंसेस लेकिन अब न्यू ऑब्जर्वेशन आर प्रिवेलिंग नई से नई ऑब्जर्वेशन आ रही है नई से नई टेक्निक नई से नई टेक्नोलॉजी नई से नई एडवांसमेंट की वजह से नई ऑब्जर्वेशन आ रही हैं और इन नई ऑब्जर्वेशन की वजह से नई थ्योरी आ रही है

यानी कि उसमें भी डिफेक्ट निकला और उस डिफेक्ट ने जगह दी बोहर को हिस्ट्री में अपना नाम बनाने की और उसपे वर्क करके बोहर ने उसी थेरी को आगे फॉरवर्ड किया और कुछ न्यू डिस्कवरीज कर डाली सो so, हम थेरीज जितनी मर्जी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करके बना लें न्यू थेरीज उसे ओवरकम या फिर प्रिवेल कर सकती हैं और इन साइंस द टेस्टिंग एंड इम्प्रूविंग एंड ओकेजनल डिस्कॉर्डिंग ऑफ द थेरीज वेदर न्यू और ओल्ड ये क्या होगा ये सब टाइम टू टाइम चलता रहेगा थेरीज बनती रहेंगी न्यू थेरीज आती रहेंगी सो साइंटिस्ट एज्यूम दैट इवन इफ देर इज नो वे टू सिक्योर कंप्लीट एंड एब्सोलूट ट्रूथ एक्यूरेट अप्रॉक्सीमेशंस कैन बी मेड टू अकाउंट फॉर दर्ल्ड एंड हाउ इट वर्कस यानि कि हम अप्रॉक्सीमेशंस एक्यूरेट अप्रॉक्सीमेश देते रहेंगे इस वर्ल्ड को मजीद बेटर बनाने में और अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन्स देने में सो so, ये पूरा चैप्टर था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थेरी बेस्ड चैप्टर यानी कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें थी इमेजिनरी। आपको एटम का स्ट्रक्चर इमेजिन करना होता है आपको थेरीज पे चलना होता है हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में इन थेरीज में जो कि हम आज पढ़ रहे एज अ सब्जेक्ट इसमें भी कोई चेंजिंग आ जाए ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल टेक्निक हो सकता है कि नियर फ्यूचर में कोई ऐसी माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो जाए जो कि एटम का स्ट्रक्चर क्लियर क्लियर दिखाने लग जाए तो क्या अगर वो स्ट्रक्चर उससे थोड़ा मुख्तलिफ हुआ सो so, हमें तो जो बाद की टेक्नोलॉजी के बाद स्ट्रक्चर नजर आएगा हमें तो उसे फॉलो करना पड़ेगा सो so, आप जितना भी साइंस को पढ़ लें आप जितना भी साइंस का नॉलेज गेन कर लें उसमें इंप्रूवमेंट की कोई ना कोई जगह बाकी रहती है हम अपनी पूरी कोशिश ज़रूर करते हैं कि एक थेरी में कोई प्रॉब्लम कोई फ्लो ना हो वो एक्यूरेट हो और उसकी एक्यूरेट अप्रॉक्सीमेशन हो लेकिन फिर भी देर आर चांसेस के विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स विल बी चेंजिंग एंड मोर एडवांस्ड एंड न्यू थिंग्स विल बी ओवरकमिंग दीज प्रीवियस थिंग्स सो मुझे उम्मीद है कि आप अपने माइंड को कभी भी कन्फाइंड नहीं करेंगे कि ये पढ़ा था तो ये चेंज कैसे हो गया दिस इज़ पॉसिबल

लेकिन उसके लिए हमें मौजूदा थेरीज पे बहुत थोरो वर्किंग करनी पड़ेगी और इसे बहुत क्रिटिकली सोचना पड़ेगा और लर्न करना पड़ेगा सो हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे पूरे इस चैप्टर की सो so, हम अपने आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे एम ऑफ द सेम चैप्टर फ्रॉम एक्सरसाइज सो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट सेल्फ नंबर 2.4 जो के थे रिलेटेड टू आइसोटोप्स और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स का टॉपिक आपको अच्छे से लर्न करना है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू अब इसके साथ इसी लेक्चर में हमने ये भी देखा कि थेरीज और ऑब्जर्वेशन का क्या रिलेशन है और फ्यूचर परस्पेक्टिव भी समझा थेरीज का कि नियर फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सो so, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर अंटिल देन अल्लाह हाफिज़